नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आज हम बात करेंगे कई ऐसी परियोजना की जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, खास करके रेलवे की परीक्षा, सचिवालय की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरआरबी की जो एग्जाम होने वाली है। सबसे पहले प्रगति योजना और स्वच्छता ही सेवा अभियान, जीरो हंगर प्रोग्राम, पेंसिल प्लेटफार्म फॉर इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर योजना, नागरिक उड्डयन के लिए उड़ान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सौभाग्य योजना, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना, सारी योजना पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज सौभाग्य योजना से। 2017 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन में शुरू हुआ था 25 सितंबर को, और इसमें 16,320 करोड़ का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाना इसका लक्ष्य है। देश के कुल 250 मिलियन घर में अभी तक बिजली कनेक्शन से वंचित घर 31 दिसंबर 2018 तक बिजली कनेक्शन देना, निर्धन परिवार के घरों को निःशुल्क बिजली देना, कुल व्यय का 60% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना और विशेष कैटेगरी के राज्य के लिए केंद्र सरकार का 85% देना, राज्य सरकार एवं उसकी उपयोगिता का अंशदान 10% होना, विशेष कैटेगरी में राज्यों में 5% होना। तो ये पूरी जो परियोजना है उसमें 60% जो होगा ये आपको केंद्र सरकार दे रही है और 30% ऋण लेकर के पूरा किया जाएगा। 200 से 300 जो वाट का पिक कैपेसिटी होगा बैटरी बैंक के साथ सोलर पावर पैक उपलब्ध कराएगी सरकार, और विद्युत किए जाने वाले घर में 5 LED बल्ब, 1 पंखा, 1 DC पावर प्लग और 5 वर्ष तक अनुरक्षण सेवा भी की जाएगी, मतलब उसका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। ये सरकार की योजना है। अगली योजना पे बात करेंगे, इसका नाम है प्रगति। फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। प्रगति एक विशिष्ट समेकित एवं अंतर क्रियात्मक प्लेटफॉर्म है, मतलब इसमें डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो सेटेलाइट, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री का कार्यालय और हमारे फेडरल गवर्नमेंट जो है भारत सरकार का, इसके जितने भी सेक्रेटरी हैं, प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव और ये सारे लोगों को एक साथ इसमें जोड़ा गया है। 3-टायर प्रणाली है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का सचिव और उसके साथ डेटा को साझा करना है। 2015 से शुरू हुआ है। प्रत्येक महीने का 4th जो वेडनेसडे होगा उसको प्रगति दिवस के रूप में कहा जा रहा है, और इसमें जन शिकायत जो होता है और प्रधानमंत्री कार्यालय को नागरिक से प्राप्त शिकायत पर तुरंत विचार विमर्श करना, इसका नाम है प्रगति। तो ये बहुत अच्छी योजना भारत सरकार की है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि जितनी भी डिजिटल डेटा मैनेजमेंट है, और प्रत्येक बुधवार को ये मनाया जाता है प्रगति दिवस। अगला कार्यक्रम है पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, 2017 को शुरू हो गया था। इसमें एक वेब पोर्टल है और भारत को बच्चों के काम से मुक्त करना है, बाल श्रम मुक्त भारत बनाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो होता है ना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम NCLP, इसका लीगल है ये। तो इसमें 5 मुख्य चीज़ क्या है अगर पूछा जाएगा, पहला है कि बच्चों की निगरानी के लिए टीम होनी चाहिए, दूसरा है कि बच्चों के लिए जो शिकायत होता है वो अलग से एक टीम देखे, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट इसमें काम करे, चौथा है कि जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम है वो लागू हो, और पांचवा है कि इक्वलाइजेशन हो, मतलब सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। अगली योजना है जीरो हंगर योजना। ये 2017 में शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, महाराष्ट्र में थाने और उड़ीसा का कोरापुट, ये तीनों जगह पर पायलट प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
इसका उद्देश्य 2030 तक भूख को समाप्त कर देंगे, मतलब कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। और ये कार्यक्रम कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एवं बायोटेक्नोलॉजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकार भी इस कार्यक्रम में शामिल होगी, जो पोषण हेतु खेती प्रणाली के संगठन में पौधा है और जेनेटिक एग्रीकल्चर हो रहा है, कृषि लोगों ने बागवानी किया है, तो वहाँ पर जीरो हंगर की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली दिक्कत होती है वो सुधारा जाएगा, और पशुपालन भी अच्छा से करना है सभी डिस्ट्रिक्ट में, इसको तो किया जा रहा है, भारत सरकार के लक्ष्य है कि सक्सेस होना चाहिए। अगली योजना है स्वच्छता ही सेवा अभियान, और ये अभियान तो भारत में बहुत दिन से चल ही रहा है, 2017 में कानपुर के ईश्वरीगंज से शुरू हुआ। पीने वाला पानी और खास करके ये अच्छा होना चाहिए सभी लोगों के लिए, तो पेयजल कार्यक्रम है इसके अंदर, और हर वर्ग के लोगों को स्वच्छता और शौचालय निर्माण के लिए अपने मेहनत करना है गांव-गांव में, और वातावरण को खुले में शौच से मुक्त करना है, मतलब इससे जो पॉल्यूशन होता है रुकेगा, और पब्लिक स्पॉट पर और टूरिज्म प्लेस पर सारे जगह पर एक टॉयलेट बना देना है, और खास करके गरीब और वंचित वर्ग को अस्थाई स्वच्छता सेवा देना है, परमानेंट एक सेटलमेंट मिलेगा। ये स्वच्छ भारत मिशन के चलते देश में 39% से बढ़कर के अभी 67% हो गया है कवरेज, सरकार का आंकड़ा है भाई, ये हम नहीं सर्वे किए हैं कि आपको हम बता दें। शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ से घटकर अब 30 करोड़ आ गई है, मतलब जो लोग खुला में शौच करते हैं उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के अन्य प्रदेशों में, यहाँ पर संख्या जो है वो 30 करोड़ पर आ गई है। पंजाब हरियाणा और दक्षिण भारत में भी है, पहले 55 करोड़ था। और गांधी जयंती से कार्यक्रम चल रहा है 2014 में, तो उम्मीद है 2019 तक में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन का एक जन आंदोलन किया जाएगा, मतलब एक लोगों के बीच क्रांति हो जाए इसके लिए, और ओपन डिफेक्शन फ्री ODF जिसको बोलते हैं, एक सप्ताह के भीतर मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट को खुले में शौच से मुक्त कर देना है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सरकार तो बोलती है कम से कम कि वो बढ़ाते जा रही है। और अब कुछ योजना है जिसका नाम है उड़ान, ये उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इसका नाम है उड़ान। तो 2017 से शिमला में शुरू हुआ था, और इसके साथ कुडप्पा हैदराबाद में और नांदेड़ मुंबई में। तो उड़ान में 70 विमान पत्तन को उड़ान से जोड़ा जा रहा है, और इसमें जो इंडियन अथॉरिटी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको साथ में रख करके किया जा रहा है। 27 एयरपोर्ट जो है अभी पूर्ण रूप से संचालित है इसमें पूरे भारत का आम नागरिक में, और जिस विमान में इसको जोड़ा गया उसमें एलाइंस एयर, स्पाइस जेट, टर्बो, मेघा एयरवेज, एयर डकेन और एयर उड़ीसा है। इस योजना के तहत विमान द्वारा 1 घंटे तक की, हेलीकॉप्टर द्वारा 30 मिनट का, और उड़ान के अधिकतम यात्री किराया 2500 रुपया प्रति टिकट है। ये 2500 रुपया प्रति टिकट लगेगा, तो 1 घंटे तक का इस योजना के विमान द्वारा है, और हेलीकॉप्टर द्वारा 30 मिनट तक का उड़ान के लिए अधिकतम यात्री किराया 2500 ही लगना चाहिए। किसी भी उड़ान के लिए 50% सीट के लिए रियायती किराया लागू होगा, और बाकी मार्केटिंग रेट पर होगा। 2016 को नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आया था NCAP, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सभी छोटे छोटे शहर को जोड़ा जा रहा था। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आया है इसमें भारत में 2016 और 17 में, जिसमें जैसा हमने बताया आपको कि उड़े देश का आम नागरिक इसका थीम है, और इसके लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी फंड भी बनाया गया है भारत सरकार की ओर से, और क्षेत्रीय हवाई संपर्कता योजना चलाया जा रहा है जिसमें एलाइंस एयर, स्पाइस जेट, टर्बो मेघा, एयर उड़ीसा और एयर डकेन 128 रीजनल एरिया को जोड़ा गया है एक दूसरे से।
सलेम चेन्नई, कुडप्पा चेन्नई, नांदेड़ हैदराबाद, पुदुचेरी सलेम के बीच में जेट एयरवेज प्रारंभ किया गया है। एक घंटे तक की हवाई यात्रा का किराया 2500 है। जैसे आपको बताया 50% सीट ही रिजर्व रहेगा। सारे एयरलाइन ने इसके लिए अपनी बता दिया है कि वो करना चाहते हैं, तो ये एक योजना है जिसमें लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। काले धन को अंकुश लगाने के लिए सरकार ये योजना शुरू किया था, और इसको जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY कहा गया है, जिसमें लोग अपनी अघोषित आय का 25% भाग 4 वर्ष के लिए बिना ब्याज जमा कर सकेंगे सरकार के पास में, और 50% उन्हें कर व जुर्माने के रूप में देना होगा, जिसमें 30% टैक्स देना है और दिया हुआ टैक्स का 33% सरचार्ज होगा, और जो संपत्ति डिस्क्लोज नहीं हुआ है उसका 10% राशि 10% राशि जुर्माने के रूप में होगी। ये योजना 2016 से शुरू हो गया, 31 मार्च 2017 तक खुला हुआ था। इसके द्वारा जमा की गई बैंकों की जो थी वो चीज़ों को लिया गया, और IDS पार्ट 2 इसका नाम रखा गया था। तो ये एक अंतिम अवसर था लोगों के लिए कि वो इस पर ध्यान दे। तो ये सारी योजनाएं हमने बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप रेलवे परीक्षा और रीजनल रूरल बैंक और RBI परीक्षा, ये तीन परीक्षाएं जरूर क्वालिफाई कीजिएगा, और UPSC JPSC के जो है उसके लिए गेस क्वेश्चन के रूप में काम करेगा। सचिवालय और दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, और प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही हमारा अलग अलग वीडियो मिलेगा, जिसमें RBI परीक्षा के लिए, रेलवे परीक्षा के लिए, बैंक के लिए, सारे के लिए अलग अलग है। तो आपको जितनी योजनाएं हैं इसका ये हमने इसका ये योजना का ही 7th वीडियो है। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए।